Yeah. So, ma'am, आपको movie कैसी लगी? I really like the film. The storyline was brilliant, and I think Bhumi Pednekar बहुत ही amazing थी. उसका character बहुत amazing था. क्योंकि because she loves herself, तो उसी ने actually you know film में जो change का काम किया है, वो Bhumi Pednekar ने किया है. Bala की जो story है, इस तरह की story और बननी चाहिए. Definitely बननी चाहिए, because you need to love yourself. खुद को प्यार नहीं करोगे, तो दूसरा तुम्हें घंटा प्यार करेगा. Direction कितना पसंद आया इस movie? It was nice. Songs? सॉन्ग्स में मैंने ध्यान नहीं दिया अगेन बिकॉज द स्टोरी लाइन वाज सो इंटरेस्टिंग कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रॉस थी इसलिए. एंड टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं है ये. वो क्यों नहीं है तो फॉर दैट यू नीड टू वॉच द फिल्म. ओके, फिल्म में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? व्हेन बाला एक्सेप्ट्स कि वो बन जाए. ओके, एंड आई थिंक दैट्स इट. ओके, आउट ऑफ 5 सेकंड दिस. सर, आपको मूवी कैसी लगी? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, स्क्रीन प्ले था, डायरेक्शन था. Each and everything was great, great, great. Direction भी बहुत अच्छा किया जिसने भी किया. और मतलब आयुष्मान का लास्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अंधाधुंध, बधाई हो, एंड ड्रीम गर्ल, एंड दिस, बाला, ऑसम, रॉक्स. इस तरह की ये स्टोरी है, इस तरह की स्टोरी पे बननी चाहिए. बिल्कुल ज़रूरी है, और जनरल कॉन्सेप्ट है ये, और कॉमन चीज़ है, तो इस पर बननी चाहिए. ऐसी चीज़ें आ रही हैं इंडस्ट्री में, अच्छा है. मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? आयुष्मान का हर एक सीन, हर एक चीज, जिसने भी स्क्रीन प्ले लिखा है, वो ग्रेट है. अगर सबकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, यामी गौतम, यामी का उरी में देखा है, ऑलवेज बेस्ट. और आयुष्मान आल्सो बेस्ट. सबका स्क्रीन प्ले बेस्ट है, तो जब मूवी बेस्ट है तो सब बेस्ट हो गए ना. ऑब्वियसली सब आउट ऑफ 5 कितने स्टार हो गया? 4 स्टार. द मूवी वाज रियली गुड. सारे एक्टर्स ने अच्छा किया, मेन लीड ने भी अच्छा किया, और उसके बाद जो कैरेक्टर रोल्स भी थे, जैसे कि जो उनका हेयर स्टाइलिस्ट था बार बार जो बाल बाल सेट करता था एंड एवरीथिंग, फिर जो आयुष्मान खुराना की डैड प्ले कर रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया. सो आई थिंक ओवरऑल द कास्ट वाज अमेजिंग. आयुष्मान की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? आयुष्मान, ही डजंट डिसअपॉइंट. आई मीन आई डोंट रियली हैव एनीथिंग टू से बिकॉज ही इज़ गुड, ही इज़ दैट गुड, यू नो. ही डिड नॉट डिसअपॉइंट अगेन. उन्होंने एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पेश किया. मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा पसंद है? मेरा फेवरेट, देयर वर लॉट ऑफ कॉमेडी सीन्स ऑफकोर्स, बट आई डोंट नो, फॉर मी माई फेवरेट पार्ट वॉज जब Bhumi gets very frustrated and she says that कि मुझे नहीं समझ आएगा, that you know, you don't know the trauma एक 5-10 साल के लड़की या लड़का, दैट द किड गोज थ्रू वेन दे हियर कि तू काले हो या काली हो. आई डोंट नो, आई रियली लाइक दैट डायलॉग, दैट वॉज द बेस्ट फॉर मी. बाला की जो स्टोरी है, इस टाइप की और स्टोरी बननी चाहिए? देखिए, स्टोरी ऑफकोर्स बननी चाहिए, बट हम एज जनता, हम कितना फॉलो करते हैं, ये तो आई थिंक हम सबको अपने आप से ही पूछ रहा. आप इस फिल्म से कितना रिलेट कर पाएंगे? मैं इस फिल्म से ऑनेस्टली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं रिलेट तो नहीं कर पाई, बट इट वॉज फनी, इट वॉज वेरी लाइक, यू नो, कैसे हम वो नेशनल मूवीज देखते हैं और निकलने के बाद ऐसा देशभक्ति जाग आता है. सो ये देखने के बाद ज़रूर लगा कि यू नो, एक चीज़ ज़रूर लगा कि आई थिंक मे बी मुझे भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए इफ़ आई एम टॉकिंग टू समवन जो मे बी इनसिक्योर है अपने आप को लेके. सो वी ऑल शुड, हम सबको, यू नो, वी शुड फील कि हम उससे कैसे बात करें, हम थोड़ा उससे बेटर बात करें, बिकॉज दोज पीपल आर मोर सेंसिटिव. So I think that is one lesson. Maybe okay. We all can learn. Songs कितने पसंद आए आपको? Songs ठीक लगे. ठीक लगे. भूमि और यामिनी की गौतम की एक्टिंग किसकी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग? क्यों, दोनों अच्छे नहीं हो सकते? हाँ, मतलब दोनों नहीं, दोनों अच्छे थे. आई डोंट थिंक कि हमें एक्ट्रेसेस को साथ में पिट करने की ज़रूरत है. नो, नॉट एट ऑल. भूमि का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था, यामी का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था. यामी ने भी जो बात बोली वो बहुत करेक्ट बोली. शी, यामी का कैरेक्टर आई रियली लाइक इट बिकॉज शी वॉज, दो शी वॉज मटीरियलिस्टिक ऑफकोर्स, वो सुंदरता पे फोकस करती थी, पर वो झूठ तो नहीं बोलती थी ना. शी वॉज आउटवर्डली, उसने सामने से बोला कि हाँ, मुझे मटीरियलिज्म पसंद है, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ. भूमि वॉज प्राउड ऑफ हर कलर, यामी वॉज प्राउड ऑफ हर मटीरियलिज्म. सो आई थिंक बोथ द कैरेक्टर्स वर ब्रिलियंट, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट बोथ वर प्राउड ऑफ देमसेल्फ. अगर कोई प्राउड नहीं था तो वो आपके आयुष्मान जी थे जो प्राउड नहीं थे, बट देन या ही ऑल्सो डिड अ ब्रिलियंट जॉब. ओके, बेस्ट पार्ट ऑफ मूवी? आई ऑलरेडी सेड. आउट ऑफ 5 स्टार्स कितने स्टार्स? 4 आउट ऑफ 5. सो सर, आपको मूवी कैसी लगी? बाला बहुत अच्छी लगी, बाला मूवी, और आयुष्मान की एक्टिंग इज फैंटेबुलस.
और स्टोरी पसंद आई इस मूवी की? स्टोरी भी बहुत अच्छी है, और जैसे आयुष्मान की तारीफ होती है हर फिल्म की स्क्रिप्ट वो बहुत बारीकी से चुनते हैं और बहुत अच्छी होती है, ये फिल्म भी सुपर हिट होगी। भूमि पेडनेकर यामी गौतम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भूमि पेडनेकर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, काफ़ी फनी है मूवी और बहुत अच्छी है, ये मूवी सबको देखनी चाहिए ज़रूर। इस मूवी से आप क्या लेकर जा रहे हैं? इस मूवी भी काफ़ी फनी है और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे बाल ना झड़े, मैं बालों को मेंटेन करूँगा। ये जिस टाइप की स्टोरी है इस टाइप की और स्टोरी पे मूवी बननी चाहिए? हाँ बननी चाहिए, काफ़ी हेल्दी और हैप्पी फिल्म है। और क्या बताना चाहेंगे डायरेक्शन के बारे में? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले अल्टीमेट है, अल्टीमेट है, अल्टीमेट है, लाइक अ ड्रीम गर्ल। हाँ, फाइव स्टार, फाइव स्टार, फाइव स्टार, फाइव स्टार, फाइव स्टार, सुपर मूवी है। मूवी की स्टोरी पसंद आई? इट्स नाइस। सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको? जब यामी गौतम को पता चलता है कि आयुष्मान खुराना टकला है। ओके, और सबके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आयुष्मान खुराना नहीं, सुपर, कुछ अलग स्टोरी लाए, अलग स्क्रिप्ट लाए मूवी में, डायरेक्शन भी अच्छा है। सो इस तरह की स्टोरी और बननी चाहिए जरूर। फिल्म में और सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा पसंद आया? कि यही कि वो दिखाती है कि हमारे समाज में जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए। इस फिल्म से आप क्या लेकर जा रहे हैं? वही कि हर किसी को सोच बदलनी चाहिए और किसी के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए। व्हाट अ फाइव स्टार कितने देंगे? 3.5। थैंक यू सर। आपको मूवी कैसी लगी बाला? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी एंटरटेनिंग और इतनी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी टाइम से मूवी का इंतज़ार हो रहा था क्योंकि इससे पहले उजड़ अच्छा बनाई जो सेम थीम के ऊपर है, तो ये मूवी देख के मज़ा आ गया। बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जिस टाइप की इसमें स्टोरी दिखाई गई है उस टाइप की और स्टोरी बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। हाउसफुल 4 के बाद ये दिस इज़ अनदर एंटरटेनिंग मूवी विच पीपल आर जस्ट इन्जॉइंग इट, एंड आई एम श्योर माउथ ऑफ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से और ज़्यादा हिट हो जाएगी। काफ़ी लोग आज इन्जॉय कर रहे थे मूवी। सबके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा, आई थिंक आयुष्मान खुराना हैज नेल्ड इट अगेन, और एक बार फिर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ दी, और उनके साथ यामी गौतम का बहुत अच्छा रोल है, और आई थिंक भूमि पेडनेकर वो बहुत ही वाइड रेंज के रोल्स कर रही हैं, और एक बार फिर से ये मूवी में उन्होंने दिखा दिया कि वो कितनी यू नो वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने उन्हें सांड की आँख में देखा था और उसमें उनका बहुत ही इम्प्रेसिव रोल था, और ये मूवी में भी एक सावली लड़की को उन्होंने किरदार निभाया है। सो ऑल द सोशल प्रेशर्स दैट यू गो थ्रू एंड यू नो योर वनरेबिलिटीज एंड यू नो हाउ पीपल बिहेव विद यू इफ़ यू हैव अ डार्क कलर और इफ़ यू आर बॉल्ड, तो ये मूवी में वो मेडिकल कंडीशन से कैसे आयुष्मान खुराना कैसे जूझते हैं और ये कैसे जूझती है वो दिखाया गया है, तो आई थिंक पीपल कैन रिलेट टू इट। जैसे मैंने उजड़ा चमन कहा था, उजड़ा चमन थोड़ी बोरिंग हो गई थी बीच में, पर ये शुरू से लेके एंड तक इतनी एंटरटेनिंग बनाई है। अमर कौशिक जो इसके डायरेक्टर हैं उनको शेयर जाता है ये मूवी के लिए। तो बॉक्स ऑफिस पर ये धमाल मचा पाएगी? डेफिनेटली बहुत बड़ा धमाल, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हेमंती सरकार का एडिटिंग कहीं भी ड्रैग नहीं किया, 2 घंटे की मूवी है। सिनेमेटोग्राफी जो अनुज धवन की सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत अच्छी है, सचिन जिगर का म्यूज़िक भी ठीक ठाक है, एक लास्ट में एक सॉन्ग आया था डोंट बी शाय वो बहुत अच्छा लगा, और एक और गाना है जिंदगी वो भी अच्छा है, तो म्यूज़िक अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, डायरेक्शन अच्छा है, तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज। व्हाट अ फाइव स्टार कितने दोगे आप? आई विल गिव 4 स्टार्स। थैंक यू। आपको मूवी कैसी लगी बाला? बहुत अच्छी लगी, काफ़ी बस था मार्केट में, और अभी जो देखा तो उससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा है, बहुत अच्छी लगी। आप सेटिस्फाइड हो इस मूवी को देखकर? बिल्कुल, पूरी पूरी पूरी। Okay, स्टोरी पसंद आई इस मूवी की? स्टोरी बिल्कुल बहुत अच्छी थी, बहुत बस था मार्केट में इस बारे में, दो मूवी का वो कोलैप्स भी हो रहा था तो उससे तो काफ़ी और बस बन गया था। हाँ। और बाकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी ग्रिपिंग थी, आप ऐसा नहीं था कि बीच में आप मोबाइल चेक करो या फिर कुछ ऐसा, पूरी एंड तक उन्होंने बांध के रखी। उजड़ा चमन इसी टाइप की एक और मूवी आई थी, वो भी आपने देखा है? नहीं, उजड़ा चमन नहीं देखा। ओके, तो आप ये डायरेक्शन के बारे में क्या बताना चाहोगे, कितना पसंद आया? डायरेक्शन अब मुझे तो उतना मालूम नहीं, लेकिन एज एन ऑडियंस क्या कहते हैं, काफ़ी ग्रिपिंग थी, और उन्होंने बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि लव स्टोरी, टिपिकल लव स्टोरी पे नहीं गए वो, उन्होंने जो स्टोरी थी जो बाल सेल्फ लव पे थी, और जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करो अपने को, एंडिंग तक वही रखा उन्होंने, ना ये कि नहीं एक हीरोइन छोड़ के दूसरी हीरोइन के पीछे भाग गए और ऐसा नहीं दिखाया उन्होंने। ओके, सो इस फिल्म से आप क्या मैसेज लेकर जा रहे हो? कि वही खुद से प्यार करिए, आप जैसे भी हो जो भी हो, आप खुद से प्यार करोगे तो सब प्यार करे, जैसे उन्होंने आखिरी में कहा। 4 स्टार्स। अच्छी लगी मूवी,
डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसी लगी आपको? डायरेक्शन अच्छा है, इसमें एक मैसेज देते हैं, इंसान जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए उसको, नकल नहीं करनी चाहिए, अच्छा बनने की। इस तरह की मूवी और बननी चाहिए? हाँ, ऐसा जो भी प्रॉब्लम्स वाली मूवी बनना चाहिए। और आयुष्मान खुराना ने वैसे मूवी में ही काम किया है, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है वैसे। भूमि पेडनेकर अच्छी थी ज़्यादा या यामी गौतम? भूमि पेडनेकर का रोल अच्छा है उसका, वो सावली का रोल किया है उसने, अच्छा रोल। फोर फाइव में से। सॉन्ग्स कैसे लगे आपको? लास्ट गाना बहुत अच्छा है। थैंक यू। सो सर, आपको मूवी कैसी लगी बाला? वाह क्या बात है, बाला बाला बाला, आज जितने लोग गंजे हैं देश में उन लोगों को सिनेमा देखना चाहिए, कि उन लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, सिनेमा देखने के बाद आपको शर्मिंदगी एकदम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा दिया है वैसे में एक्सेप्ट होना चाहिए। भूमि पेडनेकर जिसमें काली का भूमिका उन्होंने किया है, एकदम काला है तो लोग उनको चिढ़ाते हैं कि काला, लेकिन उन्होंने बचपन से उसको सहनशीलता से अपने सहा और आगे चल के सबको उन्होंने जवाब दिया। आयुष्मान खुराना जी का देखा जाए तो अभिनय पूरी तरह जितनी तारीफ की जाए कम है, अमर कौशिक जी से पहले स्त्री फिल्म बनाए थे, स्त्री की आप लोगों सबको मालूम है कितनी अच्छी फिल्म बनी थी, तो वैसे डायरेक्टर ने बाला का डायरेक्शन किया है तो डायरेक्टर को भी जितनी तारीफ की जाए कम है, सब ने अपना 100% दिया है। ये जो स्टोरी है वो रियल लाइफ पर बेस्ड है, सो इस टाइप की और स्टोरी बननी चाहिए? इस टाइप के रियल लाइफ में स्टोरी बननी चाहिए, डिपेंड करता है कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है उसके ऊपर, और बनाने वाला अगर बनाएगा तो देखने वाला जरूर देखेगा। सॉन्ग पसंद आया आपको? सॉन्ग भी पसंद आया और पिक्चर जितने म्यूजिक है सारे पसंद आए, कॉमेडी। बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको? बेस्ट पार्ट लगता कोई ऐसा पार्ट ही नहीं जिसके मैं तारीफ नहीं करूं, शुरू से लेकर लास्ट तक हर पार्ट इसमें तारीफ के काबिल है। ये एंटरटेनिंग भी है और मैसेज भी दे रही है, सो ऑडियंस को ये मूवी देखनी चाहिए? ऑडियंस को अगर नहीं देखेगा तो बहुत 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 मिस करेगा इस सिनेमा से, जो क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक कॉमेडी से है, रोमांस है, एक्शन है, और आप लोग आजकल टिकटॉक पर देखते होंगे पुराने गाने आप लोगों को कई इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आयुष्मान जी और एक हीरोइन के साथ डांस करते हैं और उसमें सिटियाँ बजती हैं, पब्लिक पूरा एंजॉय करते हैं। 4 स्टार। थैंक यू। फिल्म अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी मूवी है, मुझे लगता है एक बार देखनी चाहिए सभी को, और जो हमारे यहाँ जो भी रिसेंट में चल रहा है जो हमारे बॉर्डर पे है उससे काफ़ी इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है, अच्छी है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, और ख़ासकर उसकी एक्टिंग मुझे हीरो से इसमें काफ़ी अच्छा लगा। फिल्म की जो स्टोरी है वो पसंद आई आपको? हाँ हाँ, स्टोरी अच्छी है। डायरेक्शन अच्छा है, काफ़ी है, अगर मैं देना चाहूँ स्टार तो 3.5 out of 5। सॉन्ग अच्छा, वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया जो बॉर्डर पे जो फिल्म आया गया है, कुछ फील हुआ, कुछ देशभक्ति वाली फील आई? बिल्कुल फील आई, मैं तो कहूँगा सभी लोग जाओ देखने, पता चलेगा क्या है। 4 out of 5।